उड़ता पंजाब को लेकर भले ही पहले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल किनारे करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता खुलेआम इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस फिल्म के पक्ष में आ डटी है। लुधियाना के हलका आत्मनगर में सीनियर कांग्रेस नेता किशन कुमार बावा की अगुवाई तले कांग्रेस लड़कों ने हलका आत्मनगर में फिल्म का समर्थन करते हुए इसके हक में प्रचार किया तथा इसके विरोध को बिल्कुल गलत बताया। इस अवसर पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के गुरमीत सिंह गिल ने कहा कि पंजाब सरकार को फिल्म का विरोध करने की बजाय इसमें दर्शाई गई सच्चाई की जांच करवाकर पंजाब में नशे खात्मा करना चाहिए। इनू सरकार क्यों डरती है दिखाने तो मैं तो समझ नहीं आती, क्योंकि इतने पहले तो सेंसर ने बहुत बड़े कट लाए ने, वो इन्ने कट्टों तो बाद भी उन्होंने रिलीज नहीं होने दे रहे, क्योंकि दाल च कुछ कला एक इस सरकार के आप मंत्री शामिल ने नशिया के, और सारे लोगों को पता भी इस टाइम सरकार का सरपरस्ती थले नशे का जो कारोबार हो रहा है, इस करके फिल्म ने सच्चाई दिखाई है, इस करके ये फिल्म रिलीज नहीं कर रहे। ये गल्लां जिहड़ियां नुकसान करदियां ने, क्योंकि एक वोटां दी कोझी सियासत साढ़े पंजाब दे फ्यूचर नूं बर्बाद करे, ये हर सच्चे सुच्चे पंजाबी दे लई सहन करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझदा फिल्म निर्माता ने एक चंगी चीज़ पेश करन दी कोशिश कीती है कि तां कि लोकां नूं असलीयत पता लगे। मैनूं लगदा कि नैक्सट वीक दे विच फिल्म लोकां दे विच आएगी अते लोकां नूं इस असलीयत तों। बापू सुन सिंह खालसा को उसके घर से ही जबरन पुलिस ने उठाकर लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया, जिसको लेकर खालसा के बेटे रविंदर सिंह गोगी ने पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खालसा के बेटे का कहना है कि हर बार पुलिस बापू को जबरन घर से उठाकर अस्पताल में दाखिल कर नजरबंद कर देती है और उनको बापू से मिलने भी नहीं दिया जाता। पिछले 6 महीने से बापू लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में दाखिल थे और कुछ दिन पहले ही बापू को पुलिस खुद अस्पताल से घर छोड़ दी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इस बार जबरन घर में घुसकर घर के दरवाजे तोड़ बापू को जबरदस्ती घर से उठा लिया? क्योंकि पिछले 10 दिन तो जिहड़ा प्रशासन सी काफ़ी वह तरलो मच्छी होया हुआ सी, वो अंदर बापू तक पहुँच नहीं सी सके एक नहीं, पर अज फाइनली तुसी जिवें देखिया उन्होंने दरवाजे तोड़ के बापू जी तक पहुँच के उन्होंने कोशिश ही नहीं की चैकअप करन दी। तो जो मैनू पता लग्या भी 2 मिंट दे विच आए तो 2 मिंट दे विच बापू जी नूं जिवें घरों कोई कणक की बोरी चकनी हुंदी आ आए चक के लै गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व तपोवन ट्रस्ट श्री गंगानगर द्वारा SGBS मेंबर सुखविंदर कौर व पार्षद जगवीर सिंह सोखी के सहयोग से दशहरा ग्राउंड क्वालिटी चौक लुधियाना में एडवांस कैंसर जांच कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन SGP के प्रधान जथेदार अवतार सिंह मकड़ ने किया। मकड़ ने कहा कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए समूह धार्मिक सामाजिक व समाज सेव संगठनों द्वारा जोरदार मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि यदि हम पंजाब में घर घर में इस बीमारी प्रति जागरूकता फैलाने में सफल हो गए तो ये क्रांतिकारी कदम होगा। श्री तपोवन ट्रस्ट गंगानगर और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सांझे यत्ना सदका अज मेरे इस हल्के दे विच ये जिहड़ी एक मेडिकल वैन है जिहड़ी एडवांस कैंसर डिटेक्शन वैन ये इस इलाके च लियांदी गई है, जिहड़ा अज तो लैके 14 तरीक तक लगातार 5 दिन हर रोज़ सवेरे 10 बजे तो 5 बजे तक मुफ्त चैकअप की जाऊगी, हरेक तरह का टैसट ता कि क्योंकि कैंसर बड़ी भयानक तो जानलेवा बीमारी है, उसकी रोकथाम तो उन्होंने सही डायग्नोज करने के लिए यह जिहड़ा टैसट है ये बहुत ही लाहेवंद होगा। कोई भी आम साधारण व्यक्ति तंदुरुस्त रिष्ट पुष्ट व्यक्ति भी ये टैसट करवा सकता ता कि ये पता लग सके कि असी शरीरक तौर पर तंदुरुस्त हैं। तरनतारण के गांव सराय अमानत खां में 13 मरले जमीन को लेकर गोलियां चल गई जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। गांव वालों का कहना है कि ये जगह सरकारी है तथा यहां पर बस अड्डा बनाया जाए, जबकि रसाल सिंह नामक एक व्यक्ति का कहना है कि ये जगह उसकी है। फिलहाल SHO सरबजीत सिंह का कहना है कि मामले की सूचना मिलने पर वह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए थे तथा फिलहाल दोनों पक्षों पर क्रॉस मामला दर्ज करके मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि इतने जगह नहीं बनी जिसे कब्जा कर रहे हैं, मेरे को प्रॉपर सबूत पे ने निशानदेही दे एक घट्टो घट भी कनाल जगह होनी है जी, 13 मरले जगह है, फिर इतने भी कनाल जगह कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने रसाल सिंह मेन डॉक्टर रसाल सिंह मेन है जी, जो इस एक जो सेहत विभाग महकमा वो संबंधित बंदा उन्होंने किया कि पहला सारे फायर मारे आ तिना बंद ने सारे बंदे फटड़ किए राहगीरी फटड़ किए बाकी उस तो बाद अपने आप में खुद सट्टा मार के दाखिल होकर बैठे ने।